सतपुड़ा की वादियों के बीच बसा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा हरियाली में इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ की अग्रणी संस्था कीर्तिश केयर फाउंडेशन के कला विंग के 12 कलाकारों की टीम ने ग्रीन गांधी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें 15,000 से भी अधिक हरे पौधे से 11,000 स्क्वायर फीट के विशाल विद्या भूमि स्कूल प्रांगण में ग्रीन गांधी बनाए गए हैं। देश की आजादी की वर्षगांठ के मौके पर हरे पौधे से निर्मित यह अनोखा शाकार दर्शकों के दीदार के लिए खोला गया। महात्मा गांधी के स्नेहमयी चेहरे वाला यह हरा भरा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे ऊंचाई से पूरा देखा जा सकता है। इसके एरियल व्यू के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई है। इस विशाल कलाकृति को बनाने का मकसद आजादी के महानायक महात्मा गांधी की याद तो है ही, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाना भी है। इस कलाकृति को बनाने में उपयोग किए जा रहे लगभग 15,000 से अधिक पौधों को केकेएफ संस्था की निगरानी में छिंदवाड़ा शहर और आसपास के इलाकों में रोपित किया जाएगा। साथ ही इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई जाएगी। केकेएफ कला संगम की टीम राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगोली आर्टिस्ट रजत गढ़ेवाल के नेतृत्व में ग्रीन गांधी तैयार किया है, जिसके पीछे फाउंडेशन की हेड कीर्ति सुधांशु और डायरेक्टर नितिन जैन की सोच है। हरे पौधे से इस विशाल कलाकृति को विश्व रिकॉर्ड की सूची में दर्ज किए जाने का दावा भी किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।